नमस्ते सत श्री अकाल सबको, दिस इज साहिल गौरी। आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनआई मैसूर विद आईआईसी ब्रांच, जो कि यार आपका टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आ जाता है कॉमेटी के अंदर। और इसके अलावा यार आई एम राइट नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट मर्सिडीज बेंज इंडिया। तो यार ये सारी चीजें मेरे पुराने व्यूअर्स को डेफिनेटली पता होंगी, और ये चीज मैंने आप लोग को इसलिए बताई है ताकि यार काफी सारे बच्चे फिर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि भैया आपको ये सारी नॉलेज कैसे, कॉमेट के बारे में आप इतना श्योरली ये ऑर्डर लिस्ट वगैरह कैसे बना रहे हो। इसलिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जरूरी था। यार मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड के अंदर, और यार स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो 4 साल से मेरे को खुद का एक्सपीरियंस है कि यार कॉमेडी की ऑर्डर लिस्ट वगैरह कैसे बनाते हैं। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को गाइड वगैरह भी किया है। तो यार इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा डिमांडेड वीडियो के बारे में बात होने वाली है, दैट इज आप लोग को यार कॉमेडी की चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी। मेरे को अप्रोक्सीमेटली यार 200 से भी ज्यादा यार रिक्वेस्ट आ चुकी है। जो मैं लास्ट ईयर की अपनी कट ऑफ लिस्ट बनाई थी, उस लिंक को यार मैंने अभी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो उसका एक्सेस लेने के लिए मेरे को इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी है। लेकिन यार वो इसीलिए किया गया था क्योंकि यार नई लिस्ट बन रही थी, कुछ चेंजेस होने थे, तो काफी ज्यादा स्टूडेंट फिर उसको अगर फॉलो करते तो यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए यार मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और ये वीडियो के अंदर आप लोग को यार अपडेटेड लिस्ट मिल रही होगी। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना बोलना चाहूंगा कि यार वीडियो को दबा के शेयर कर देना, और यार अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो डेफिनेटली यार सब्सक्राइब का बटन दबा देना। आप लोग को यार काफी अमेजिंग वीडियोस यहां पे मिलने वाली हैं। तो यार इस वीडियो को अब हम जल्दी से स्टार्ट कर रहे होंगे। यहां पे यार आप लोग देख सकते हो कॉमेटी काउंसलिंग 2022 के बारे में हम पर्टिकुलर बात कर रहे होंगे। कॉमेटी की आपकी 2022 की यार आप लोग को चॉइस फिलिंग ऑर्डर में आप लोग को बता रहा हूं, और आप लोग को यहां पे यार 50,000 रैंक तक आप लोग को ऑर्डर लिस्ट देखने को मिल जाएगी प्रॉपर्ली। और यार एक और चीज पहले ही बताता हूं कि यार इस वीडियो के बाद एक और वीडियो मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूं, जो आप लोग को स्क्रीन पे आ जाएगी, टॉप 15 कॉमेट के कॉलेजेस। इसके अंदर यार प्रॉपर मैंने हर एक कॉलेज की कट ऑफ वगैरह बता रखी है, क्या एवरेज वगैरह जाता है, ये सारी चीजें यार वहां पे लिस्टेड हैं। तो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लेना चॉइस फिलिंग करने से पहले ही, ताकि यार आप लोगों को अपने सारे ऑप्शंस दिख जाएं, क्या क्या कॉलेजेस आप लोगों को मिल सकते हैं। यहाँ पे यार आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ऐसे मैंने एक प्रॉपर पीडीएफ बना रखी है यहाँ पे यार सारी की सारी आपकी कट ऑफ वगैरह। तो यार इस कट ऑफ को जरूर जाकर देख लेना। अभी यार हम इस वीडियो को अपनी जल्दी से यार स्टार्ट बढ़ते हैं। तो यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग को यार दिख जाएगा कि यार आरवी इंजीनियरिंग आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले सीएससी मिल जाती है, आईएससी। तो यार ये आपके टॉप की 3 ब्रांचेस जो आरवी की रहती है, सीएस रिलेटेड ब्रांचेस, वो आप लोग को भरनी है। उसके बाद यार येलो में जो चीजें मांगड है, दैट इज फॉर ओनली स्टूडेंट्स जो यार इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो अगर यार आप इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड हो ईसी में, तो यार आप ये 4th ऑप्शन पे भर सकते हो, नहीं तो आप इसको रिमूव कर सकते हो अगर आपको ईसी ब्रांच नहीं चाहिए है। सिमिलरली आपके पास आ जाता है फिर यार बीएमएस का, और बीएमएस की फिर ईसी आ जाएगी। ऐसे ही यार आपके पास एमएस रमैया का आ जाता है, यहाँ पे आपके पास सारे सीएस रिलेटेड ब्रांचेस होगी, और उसके बाद यार आपके पास ईसी आ जाती है। ये यार आप लोग हटा सकते हो, अगेन मैं बताता हूँ जितने भी लोगों को ईसी नहीं चाहिए है बिल्कुल भी। उसके बाद आ जाता है आपका जेएसएस। अब यार ये फिर से मत पूछना कि भैया यहाँ दयानंद सागर क्यों नहीं है, बीआईटी क्यों नहीं है, या फिर आप लोगों का सर एमबीआईटी क्यों नहीं है। ये सारे रीजन लिस्टेड है आपकी सेकेंड वीडियो में, अगेन जो मैं आप लोग को ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो यार यहाँ पे आप लोग का जाता है जीएसएस और एनआई की यहाँ पे यार मेन ब्रांचेस। अब एनआई में यार काफी बच्चों को एआईएमएल नहीं दिखेगी, बताता हूँ इसी साल इंट्रोड्यूस होगी। तो यार अब जब आप काउंसलिंग में बैठोगे, अब आप लोगों को पता लगेगा मैं पास आउट हुआ हूँ इसी साल। तो यार मेरे को पता लग गया था पहले से, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे यार नेक्स्ट बात करें तो आप लोगों का फिर जीएसएस और एनआई का ईसी आ जाता है। इसके बाद आता है आपका बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दयानंद सागर, यहाँ पे आपकी सारी की सारी सीएस और आईएएस रिलेटेड ब्रांचेस मिल जाएंगी। और एक और चीज बताता हूँ यार, आईएएस इज सिमिलर टू आईटी। काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया आईएससी क्या है, आईएससी क्या है। तो यार आईएएस सेम है आईटी, बस यार कॉमेटी कॉलेजेस में इसे इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो यार ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी। फिर यार आप लोग का आ जाता है बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दयानंद सागर की ईसी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यार सिनंगना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाता है यहाँ पे, उसकी सारी ब्रांचेस है, बीएमएस आ गया, नित्य मीनाक्षी। तो ये 3 कॉलेजेस ऑलमोस्ट आसपास सेम लेवल के रहते हैं, बट ऊपर किसको रखना है वो मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया। इसके बाद यार आप लोगों को एसआईटी का हो गया, यहाँ पे आपको ईसी देखने को मिल जाता है, अगेन तभी लेना अगर इंटरेस्टेड हो। अब इसके बाद आता है आपका सर एमबीआईटी। अब यार ये कॉलेज काफी टाइम से धीरे धीरे आपका लो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद केएलई हुबली, इसकी आ जाती है। फिर यार आपका बीएनएमआईटी आ जाता है, इसकी सीएससी एआईएमएल और आईएससी है। फिर उसके बाद यार आप लोग को यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे ईसी के। इसके बाद आ जाते हैं यार ब्लू वाले ऑप्शन। अब ये भैया ब्लू ब्लू आप लोगों ने क्या दिखा रखा है। तो यार ये जितने भी ब्लू में ऑप्शन है ना, ठीक है, जितने भी यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं ब्लू में ऑप्शन, ठीक है, तो ये तभी आप लोग को लेने हैं अगर यार आप लोग को कॉलेज प्रेफर करना है ओवर ब्रांचेस, ठीक है। अगर यार मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं, तो यार आप लोग को आरवी की तो केमिकल मिल रही है,
और वहीं पे यार आप चूज कर सकते हो SID तुमकुर या फिर किसी की आपको यहाँ पे सपोज EC वगैरह मिल रही है, कोई भी अच्छी ब्रांच मिल रही है एक लोअर कॉलेज की, तो फिर यार वहां पे आप लोगों को मैं जो प्रेफर करता हूँ दैट इज कि यार आप एक अच्छे कॉलेज में चल जाओ, वहां पे सबसे पहला आप लोग को जो ट्राई करना है दैट इज आप ब्रांच चेंज करने की कोशिश करो, और अगर वो नहीं हो पाता है तो यार वही ब्रांच पढ़ो और अपना साथ साथ IT कंपनीज की तैयारी करते रहो। फायदा क्या होगा उससे कि यार वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, वहां पे यार कंपनीज काफी ज्यादा आ रही होती हैं और यार वहां पे आपको बैठने भी दिया जाता है, काफी सारी कंपनीज अलाउ करती हैं सारी आपकी ब्रांचेस को बैठने के लिए, तो यार वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज एटलीस्ट आ जाएंगी, बस आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो यार ये इसीलिए मैंने ब्लू वाले ऑप्शन दिए कि यार आप या फिर तो आर्मी BMS वगैरह ये सारे कॉलेजेस में आप EEE मैकेनिकल या फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पे सारी ब्रांचेस लिस्टेड है ये आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा कॉलेज स्पेसिफिक हो तो यार यहाँ पे आप लोग केमिकल हो गया, बायोटेक हो गया, जितनी भी ब्रांचेस आ रही है वो आप फिर प्रेफर कर सकते हो, वहां पे मैंने लिस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे यार सारी नहीं डाली है, बस आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यार ये ब्लू वाला पोर्शन डाला है, आप लोग समझ गए होंगे। अब यार अगर मैं आर्मी की केमिकल बात करूं या फिर फाइनल, तो यार यहाँ पे अगर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आर्मी की जो है आपकी फाइनल कट ऑफ जाती है दैट इज समवेयर अराउंड आपका 28,000 जो कि यार सिविल की जाती है, तो आप ये रख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को आर्मी मिल जाएगा, स्लाइड करने की कोशिश करना नहीं हुई तो सिविल पढ़ना और IT कंपनीज की तैयारी करना। इसके बाद आप लोग यार यहाँ पे आ जाते हैं RNSIT और CMRIT, तो यार ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो यार काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारी 15,000 है CSE चाहिए सिर्फ हमें, तो यार वो स्टूडेंट्स ये ऑप्ट कर सकते हैं RNSIT CMRIT या फिर आपका BNMIT, ठीक है ये कॉलेजेस में आपको डेफिनेटली CSE मिल जाएगी। आई थिंक RNS की चल जाती है 16,000 के आसपास, 16K के आसपास AIML जाती है, ठीक है तो वो आप लोग चूज कर सकते हो। तो ये चीज का ध्यान रखना कि यार आप लोगों को चॉइस फिलिंग इसी प्रकार से करनी है, आप लोगों को डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि यार उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, और सारे के सारे रिव्यूज भी बने हुए हैं आपके सारे के सारे कॉलेजेस के, तो उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैंने KLE तक के यार सारे आपके रिव्यूज बना रखे हैं, तो उनको जाकर चेकआउट कर लेना, और जल्दी यार CMRIT और RNSIT का भी आ जाएगा। तो यार इतना ही था इस वीडियो में, ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं खींचूंगा, और यार बस अगर आप लोग को ये हेल्पफुल लगी है वीडियो तो दबा के शेयर करना ताकि हम अपना टारगेट जल्दी से रीच कर सके, दैट इज 20,000 की फैमिली को पूरा करना। और इसके साथ साथ यार कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोशिश रहेगी रिप्लाई देने की इस पर्टिकुलर वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और यार वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना जिससे यार एल्गोरिथम पुश करे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट के एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। और यार ये PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल रही होगी तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे होंगे, मिलते हैं यार ऐसी किसी बड़े नेक्स्ट वीडियो में, टाटा सी यू बाय।